नमस्कार, प्रथम खबर सहित अपूर्व। प्रथमे हेडलाइंस। आज कटक पुरी और भुवनेश्वर कोहल है कटकणा। राति 8टा जाए खोल दुकान, खोल मॉल, हॉल और बार। 50% क्षमता को नहीं चलो होटल और रेस्टोरेंट। केन्द्रापड़े बीजेपी जिला संपादक को अतर्कित आक्रमण कले केन्द्रापड़ा एसपी स्टेनो शारदा प्रसाद सामल। कतुरी में हाथ, गोड़, छाती और पापुली को आक्रमण। गुरुतर अवस्था में पाटकुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती। डिजिटल इंडिया दिगरे आउ एक पाद। आज ई रूपी को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल पेमेंट पर कैशलेस और कंटाक्टलेस माध्यम हो उपकृत हे साधारण लोक। आज 200 मीटर दौड़ पर ट्रैक ओल्लैबे दौड़राणी दुति चांद। देशर एकमात्र आथलेट भाव दुईट इवेंट में भाग नहीं दुति। सेपटे महिला हकी इतिहास रचा लक्ष्य भारत। क्वार्टर फाइनाल आज ऑस्ट्रेलिया सह मुकाबला। बढ़ला पदक आशा। टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत को आउ एक पदक। महिला बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट रे ब्रोंज पदक जीति इतिहास रचिले सिंधु। लगातार द्वितीय थर ओलंपिक्स रे पदक जितबारे सिंधु देशर प्रथम महिला। सेपटे हॉकी रे 4 दशंधि अपेक्षार अंत। ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 रे मात दे सेमी रे पुरुष हॉकी टीम। मरीगला मानविकता। जन्मकला बापा बंची थाउ थाउ पुओ हेले सुधी। बापा कष्ट उपार्जित टंका जोर जबरदस्त नहीं घर तड़ी देले। केन्द्रापड़ा जिला दलवाणी गांव रु आसला अभावनीय चित्र। बाहरीन हॉस्पिटल ने गुरुतर अवस्था रे ओडिया श्रमिक। सहायतार हाथ बढ़ाइले बाहरीन। ओडिया समाज प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज कहले ओडिया भाई को जीवन बचाइबा यथासंभव उद्यम करी। देखा संपूर्ण खबर। आज भुवनेश्वर कटक और पुरी में पूर्व अपेक्षा आहुरी कोहल होइछि कटकणा। एणिकी राति 8टा पर्यंत दुकान खोला रहिबो। सेपरे सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट और मॉल खोलिबा को अनुमति मिलिछि। तेबे राति 8टारु सकाळ 6टा जे नाइट कर्फ्यू लागू हेबो। सरकार पक्षरु जारी होइथिबा नुआ गाइडलाइन रे किछि जिनिस उपरे कटकणा कोहल होइछि। 50% क्षमता को नहीं रेस्टोरेंट और बार आदि खोली पार। से 50% दर्शक क्षमता को नहीं सिनेमा हॉल मध्य खोली पार। समुद्र कूल, बीच, पार्क खुला रखा अनुमति मिलता बेले गाइडलाइन मानवे पर्यटक। सेपरि सीमित संख्यक ग्राहकों को नहीं राज्यर समस्त मॉल खोली पार। अंपक्ष रास्ता कड़े दुकान में बस खाई लोके जीवन जीविका समन्वय रखी राज्य सरकार कटकणा को कोहल कर। तो राज्य सरकार आज कोरोना कटकण में कोहल कर। सारा राज्य में कोरोना कटकण कोहल होता है। कटक, भुवनेश्वर, पुरी में सामान्य कटकण रही कि राति 8टा जाए खोली पार। दुकान खोली पार, मॉल मध्य खोली पार, बार खोली पार। आजि सिनेमा हॉल मध्य खोलुची। लोके साधारण यातायात करें, रास्ता कड़े दुकान रु खाई पारे। तो एने पूरा अपडेट नहीं चलु आलोक आशुतोष के पाखक नहीं चलु, पुरी नहीं चलु। आलोक, पुरी पे मध्य समान कटकणा जहाँ कि कटक और भुवनेश्वर पे लागू करा जाइछि। याकु पुरीवासी केमळी भाबे गतकाले आपण जेबले सूचना देउथले जे पुरीवासी याकु साधरे ग्रहण करिछेंति, किंतु बड़ कथा होछि जे अमानियांकु केमळी भाबे नियंत्रण करा जिवो। एवं जेउ पूर्वरु जेउ लक्ष्य थिला जे श्रीमंदिर खोलिबो कि नाही, जेहेतु जिलापालंकु उपरे दायित्व न्यस्त करा जाइछि, ए तमाम दिगकु नै कोन अपडेट आपण पाखरे अछि? देखंतु अपूर्व रंजन, राज्य सरकार अगस्ट मासर कोविड गाइडलाइन आसी सकाल 6टा रु राति 8टा पर्यंत समग्र राज्य में कहीपर जीवन यात्रा को राज्य सरकार स्वाभाविक देखते गुरुत्व देखते जीवन जीविका उपर मध्य गुरुत्व देखते। किंतु आप जो कथा पचारे श्रीमंदिर खोलिबा कथा, जेहेतु श्रीमंदिर खोलिबा जिलापालंक हाथ न्यस्त रही, जिला प्रशासन हाथ न्यस्त रही। निश्चित भाव में अगस्ट 4 तारीख एने एक गुरुत्वपूर्ण भर्चुआल बैठक रही। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार का अध्यक्षतार बैठक हम। बैठक में पूरी जिलापाल, एसपी, श्रीमंदिर प्रशासन
कर्मचारी मैंने रही है और कोविड समन्वय कमिटर सेवायत मान रे तो किभली परिप्रेक्षी में श्रीमंदिर खोल जेहेतु दुई रु अढ़े मस हाँ श्रीमंदिर बंद रही सेवायत मैंने आर्थिक अनटन शिकार होती है श्रीमंदिर सहित अंगांगी भाव जड़ित जो उठा दोकानी छोट दोकानी क्षुद्र व्यवसायी मैंने अच्छा व्यावसायिक प्रतिष्ठान अच्छा से अनेक आर्थिक अनटन शिकार होती तो श्रीमंदिर खोलवा नहीं किभली भाव रूपरेखा आसो ता तो अगस्ट 4 तारीख में जना पड़ा कारण आप जानते पूर्व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होता पर पूरी सहर बासिंदा प्राथमिक भाव में गुरुत्व दिया और बाहर भक्त श्रद्धा को छड़ा जाता तेज अगस्ट 4 तारीख पर श्रीमंदिर खोलवा नहीं रूपरेख चूड़ा हम और जो अमान्य कथ पचारे आप जानते आम गत सीधा साल एक्सक्लूसीव भिजुआल देखलु जेहतु विकेंड सटडाउन पूरी कटक और भुवनेश्वर में बलबत्तर रही से गत काली जेहतु रविवार लोक मैंने बेस बेधड़क भाव में बुलाबूली करते बेलाभूमि खचाखच भिड़ जमी पुलिस प्रशासन नीरव द्रष्टा साजी रास्ता घाट चारिड़े विकेंड सटडाउन को खातिर लोक मैंने करते कि आम आज पहुंचे बर्तमान पूरी नीलाद्री पार्क में आज जानते जेहतु आज पार्क खोल मॉल शॉपिंग मॉल टू आरंभ कर बार मद दुकान सबकि खोल तो से पार्क सीधा सख दृश्य आम देखा चाहूँ जेहतु आज ही पार्क खोली एतटा लोकर चल प्रचल ना कि किसीटा लोक मैंने मर्निंग वार्क आसुच्च सीधा सख दृश्य देखा चाहिए पार्क बाहर अनेक लोक मैंने रही जो मैंने एक्सरसाइज कर जेहतु फिजिकाल फिटनेस निहाती भाव में मर्निंग वार्क दरकार कि पार्क वर्तमान अवस्था आप देखते पूरा खाँ खाँ रही पार्क बर्तमान सुधा कौन से लोक ना गोटे कि दुईट लोक पार्क को आम आशा करवा आउ दिने दु दिन भितर पार्क संपूर्ण रूपए खोली जाव और पार्क तो खोला रही लोक मैंने आसवे पूरा पूरी चलचंचल हो पड़े कि दृश्य ही आज देखुन सीधा सख दृश्य पार्क बाहर गेट रे जेहतु नीलाद्री बीच पार्क में आम अच्छा पार्क बाहर गेट रे अनेक संख्य में पुरुष हूँ महिला हूँ समस्त लोक मैंने मर्निंग वार्क करते एक्सरसाइज करते कि पार्क टी समुदाय खाली पड़ी क्वचित लोक आसुच्ची मर्निंग वार्क करते आम चेस्ट कर आलोचना करेंगे आम सहित पार्क किसी लोक अच्छे जो मैंने मर्निंग वार्क आज्ञा आज टोटल संपूर्ण भाव पार्क खोलीगला कि पार्क एतटा चल प्रचल हो पड़े आम आशा रखा आज दुई तीन दिन मध्य पार्क को लोक मैंने आस मर्निंग वार्क करेंगे कि देखुं आज पार्क करा के खुशी कारण मर्निंग वार्क करने को फिजिकाल फिटनेस निहाती आवश्यक बहुत खुशी आम मानते एत खुशी मानी मानते आनंद हो पूरा एत दिन मानी मानी भितर मानी एमती लगुला जी मानते घुटन होता शरीर भितर पूरा आज मानते खुला खुला वातावरण लगुच मानते बहुत सुंदर वातावरण राज्य सरकार तो सकाल 6टा 8टा पर्यटन सबकि खोली देखा भावुंत जेहतु पूरी सहर बासिंदा आप भावुं कोविड गाइडलाइन को समस्त अनुपालन करेंगे ठीक ठाक रही ना पुणी करोना महार में व्यापार जथेष संभावना रही है करोना एपर्त जाए आज्ञा ना करोना तो मानते रही किसी मात्रा कितु तथा आम जब सतर्क रु मैंने मास्क पिंधु सानिटाइजर करूँ डिस्टेंस मेन्टेन करूँ तेल आम किसी हमी निश्चित प्रतिज्ञा कम देखु दीर्घ दिन पर पार्क खोल आपतेटा तो लोक नहांती कितु आप जगिंग करा निहाती शरीर पर तो आमको मर्निंग वार्क आगा कि दरकार तीन मस बंद जेहेतु आज खोली जो शरीर पर किसी समय दे पारूँ आतावरण को आम उपभोग से मैंने प्रशासन आमर जो सरकार जो कर बहुत खुशी डिस्टेंस मेंटेन करी पड़ो निश्चित अपूर्व रंजन सबुठ बड़ कथ हूँ से ही तीनो जिन मुहर मास्क परिधान करने सोशियाल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने हाथ को बारंबार सानिटाइज करवा वर्तमान सुधा कोरोना महामारी जाए समस्त यहाँ लक्ष्य रखा पड़ो कि भाव में समस्त सचेतन रहे सबुआड़े वर्तमान समस्त सचेतन अच्छा कि बड़ कथ हूँ जेहतु आज पार्क खोजी लोक मन में अहेतुक खुशी जेहतु दीर्घ समय पर आसी पार्क में एक्सरसाइज करते आम चेस्ट कर आलोचना करने को देखुं पार्क आज खोलीगला बहुत बढ़िया लगुच आउ सोशल डिस्टेंस आउ मास्क पिंधा निहत आवश्यक निश्चित पूर्व आहरी प्रतिक्रिया ना आज्ञा एक्सरसाइज करने को अपेक्षा करते कारण पार्क खोल ना कि खोल ना एक्सरसाइज कर फिजिकल फिटनेस ठीक रहा अपेक्षा थी आज खोल खुशी लगुच जहाँ पे वयस्क लोक बयस लोक आसिक करूँ जोटा कि स्वास्थ्य अपेक्षा करके आसपार ना भाई खुश लगे अपूर्वन सबकि बर्तमान समस्त पार्क आसु पार्क एतटा चलप्रचल आम पूरा पूरी दृश्य टी आम अगणित दर्शक मान को देखा चाहिए जेहतु बेलाभूमि पाखे आम रही नीलाद्री बीच पार्क ये रही बेलाभूमि दृश्य देखा चाहिए ये अनेक संख्यार भक्त श्रद्धा पर्यटक हूँ स्थानीय बासिंदा मैंने हूँ समस्त बेलाभूमि को आसुच्च बेलाभूमि एंजय कर बेलाभूमि मर्निंग वार्क कर गोटे निरा मजा रही है तो से ही परिप्रेक्षी आप देखुं बेलाभूमि कि लोक अच्छा जो मैंने भक्त कहीपर पर्यटक श्रद्धा तीर्थयात्री कहीपर समस्त आसाभूमि फटो उठाऊ बेलाभूमि भरपूर मजा उठाऊ तो निश्चित भाव में कौटना कौटी सरकार का गाइडलाइन पालन करने को निहाती भाव में समस्त सचेतन अच्छा कितु जो कि अमान्य रोचु पुलिस प्रशासन द्वारा एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करार आवश्यक रही है जेहतु रात 8टा पर नाइट कर्फ्यू लागू रही है रात 8टा पर किभ भाव में अमान्य मैंने एने तेने बुलाबूली करेंगे ना एने तेने बुलाबूली अमान्य पूरी जो सीधा चित्र देखा प्रतिनिधि आलोक आशुतोष
पार्क खुली लोके धीरे धीरे पार्क में रुंड होती समुद्र कूल चित्र देखा समुद्र में पर्यटक मान उपस्थित अच्छा तो धीरे धीरे स्थिति बा परिस्थिति स्वाभाविक हो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि पूरी रु अधिक सूचना देते राजधानी भुवनेश्वर अच्छा कविता स्वाई आम प्रतिनिधि कविता राजधानी में अगस्त एक अर्थात आज ठीक जेहेतु कटकणा को आहरी कोहल कर लोके आश्वस्त ना निहत भाव में अपूर्व जदि कह आज सप्तम पर्याय अनलॉक आरंभ हो पूर्वर जो कटकड़ा साधे कोहल अनेक प्रकार कोहल करमती सका छु राति आठटा पर्यंत जो दुकान बजार समस्त खोला शॉपिंग मॉल कथा कहतु बा पार्क कथा कहतु बा हॉल कथा कहतु समस्त खोली आज कहीपर कटकड़ा मध्य खोली पार्क कथा जी कह बर्तमान आम आई जी पार्क अच्छा से दृश्य देखा चाहिए कि धीरे धीरे लोक मैंने आसुँचे जमीक अनेक दिन है घरे रही एक्सरसाइज करूँ निजक फिट रखापी जमी एक्सरसाइज घरे ही करूँ आज सब पार्क आसक जी सामग्री रही एक्सरसाइज करवाई से सबू व्यवहार करूँ सहित आलोचना करवा कि घरे रही एक्सरसाइज कर पार्क आसिक एक्सरसाइज कर घर अपेक्षा पार्क बहुत भल लगुच कारण घर एत सामग्री ना जहाँ सहज एक्सरसाइज करहला दीर्घमास अतिक्रम लकडाउन अनलाइन प्रकार आरम्भ कर सरकार जहाँद्वारा कि सरकार गाइडलाइन स्वागत करूँ अधिक सामग्री सहित सरकार गाइडलाइन मानिक पार्क एक्सरसाइज करूँ स्विमिंग पूल हो सिनेमा हॉल खोली शॉपिंग मॉल खोली हाँ बहुत खुश तथा बहुत टी डर लगुच फिर कि लोक मैंने गाइडलाइन मानु ना जहाँ फिर अभी भल लगुच तेणु सत्य चलिए हम आमको निहत भाव में सतर्कता सह चल अच्छी कहीं कोरोना वर्तमान भी आम मध्य अच्छी कुआडे भी जाए आम जो कह कि आमको सतर्क हो मास्क पिंधि सामाजिक दूरता और सानिटाइज हो सब जुआडे भी जाऊे शॉपिंग मॉल हो हॉल को जमी हॉल को 50% लोक अलाउ रही जो मैंने टीका नहीं थे जापर यासह आउ जे अच्छा सहित आलोचना करवा कौन कह तुम्हें घर एक्सरसाइज कर आज पार्क खोली पार्क को आस कमी कमी लगुच भल लगुच निहतिया कितु कोरोनार भय तथा आम मन भितर जाए आम तो 18 वर्ष कम बयस तो आम वैक्सीन भी बाहर तो बाहर को आसको आमको पेरेन्ट्स मैंने छाड़ ना तो पिलामाने खुशी अच्छा राजधानी बासिंदा खुशी पार्क खुलू हल खुलू सिनेमा हल खुलू बार रेस्टोरेंट आज राजधानी पुणि थे स्वाभाविक होगा ट्राक दौड़ी बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वयं प्रतिनिधि जे के नहीं राजधानी भुवनेश्वर अधिक सूचना देते जे कटकणा कोहल होगापर लोकों भितर केत मात्र खुशी अच्छी लोके केत आश्वस्त अच्छा आसपर खबर को टोक्यो ओलंपिक्स आज 200 मीटर दौड़पाई ट्राक को ओह्लैबे भारतीय स्प्रिंटर दुती चांद 100 मीटर दौड़े निराश कर दुती हिट 5 रे सप्तम स्थान रही अभियान शेष करते तेज आज से 200 मीटर सफल होगा देश नुआ इतिहास रचिबा को चेष्टा करेंगे से देशर एकमात्र आथलेट भाव दुईट इभेन्ट भाग नेबार सुजोग पाई देशवासी तांगठारु पदक आशा रखिंट 200 मीटर दुती श्रेष्ठ टाइमिंग 23 सेकेंड रही है 2018 जाकर्तार आयोजित एशियंस गेम्स रे सफलता हासिल करने ब्रोंज पदक जीति दुती जर्मानी जेसिका वेशली अमेरिकार गैब्रियल थोमास नाम्बियार क्रिस्टियन बोमा ब्राजिल विक्टोरिया क्रिस्टिना रोसा नाइजेरिया जाम्बियार मध्य स्प्रिंटर माने ट्राक को ओह्लैबे सेबड़ महिला हकी इतिहास रचिबा लक्ष्य टीम इंडिया ग्रुप पर्यायर शेष 2 मैच दमदार विजय हासिल कर क्वार्टर फाइनाल प्रवेश कर भारत आज क्वार्टर फाइनाल ऑस्ट्रेलिया को भेटिबो टीम इंडिया सुशांत साहू आम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना पाए सुशांत दुती सारा देशर नजर सारा देशर नजर 100 मीटर दौड़े निराश कर दुती चांद आज किंतु भारत पदक भेटिदेवे एने आशा रही समस्त कारण एकमात्र आथलेट भाव दुईट इवेंट रे भाग ने से योग्यता अर्जन कर सेबड़ा आज भारतीय महिला हॉकी टीम पाई मध्य सुजोग रही क्वार्टर फाइनाल आज टीम ऑस्ट्रेलिया सहित मुकाबला हाब टीम इंडिया रो मैच जीतले भारतीय महिला हॉकी टीम सेमी फाइनाल प्रवेश करिवो सेमी दौड़े रही भारतीय महिला हॉकी टीम एवं जदि महिला हॉकी टीम सेमी प्रवेश करुछि इतिहास रचिबो
पूर्वर भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमिफाइनल प्रवेश कर सारी बेले सेमिरे बेल्जियम सहित मुकाबला हाब से दुती चांद ओडिया आथलेट को स्प्रिंटर को सारा देशर आज नजर रही सुशांत सावं प्रतिनिधि पुणि थे आम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना पर सुशांत ओलंपिक्स आज भारत कौन कौन इवेंट रही खास कर नजर रही देशवासी देखो अपूर्व आपूर्ण पूर्व कहते दुती चांद को इवेंट जोटा कि सतटा चबीश समय भारतीय समय आरंभ होगा आप जानते 100 मीटर रेस ठार देश कि मेडल आशा करते भल प्रदर्शन आशा करता कि जो भाव दुती प्रदर्शन करते अर्थात जो पुल टी रही है से पुल आठ जन गाविका मध्य से सात नंबर में पहुंची सहित 100 मीटर को फिनिश करने 11.54 सेकेंड लेते तेनाली भाव गोटे एक प्रकार से जो 100 मीटर इवेंट में निराश करते तेज आज से 200 मीटर ट्रैक को बदलाव भावे तो देश किसी आशा करुच्छी अंपटे अन्य इवेंट कथा आप पचारे आज वुमेन हॉकी वुमेन क्वार्टर फाइनल अनुषित हम हॉकी जहाँ भारत ऑस्ट्रेलिया को भेटो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया गोटे चैंपियन टाइप एक गोटे शक्तिशाली दल नहीं भारतीय महिला हॉकी दल जेहेतु पूर्व तो भारतीय महिला हॉकी दल उपर रही नजर दुती चांद को उपर रही नजर आउ किसी समय पर 200 मीटर ट्रैक रे दौड़े दुती चांद और दुती उपर सारा देशर नजर जेहेतु एकमात्र आथलेट भाव दुईट इवेंट में भाग नेबार सुजोग पाई 100 मीटर दौड़े निराश कर दुती तेणु 200 मीटर दौड़ उपर सारा देशर नजर टोक्यो ट्रैक रु दुती भारत पदक व मेडल भेटिदेवे समस्त भारतीयों आशा बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू आम प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट दे टोक्यो रे भारत टेक रखिले बैडमिंटन तारका पीवी सिंधु चीन रा ही विंग जियाओं को परास्त करी ब्रोंज पदक हासिल करिछंती सिंधु एथिसहित दुईट ओलंपिक्स रे पदक जीतिथिबा से होइछंती प्रथम भारतीय महिला ए सफलता पई सिंधु को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शुभेच्छा जणाइछंती टोक्यो रे भारत टेक रखिले बैडमिंटन तारका पीवी सिंधु चीन रो ही पिंग जियांग को परास्त करी इतिहास रचिले भारतीय खेलाड़ी दुईटी ओलंपिक रे पदक जीतिथिबा से हेउछंती प्रथम भारतीय महिला 2016 रियो ओलंपिक रे रौप्य पदक जीतिथिले सिंधु पूर्वरु एही रेकर्ड सुशील कुमार को नारे थिला आज खेला जाइथिबा मैच थिला अत्यंत रोमांचपूर्ण प्रथम सेट रे सिंधु 21-13 रे सहज विजय हासिल करथिले द्वितीय सेट रे चीन खेलाड़ी कड़ा टक्कर देथिले मध्य सिंधु एहारो जवाब देथिले 21-15 सेट रे विजयी होइथिले सिंधु पूर्व मैच गुड़िक रक्षणात्मक भाव खेलुथिबा सिंधु आज अटैकिंग मोड रे थिले सिंधु को स्मैश रे पूरा नाकेदम होइथिले चीन खेलाड़ी संपूर्ण मैच जितिबा पई सिंधु को 52 मिनिट समय लागिथिला सिंधु को एही सफलता रे खुशी व्यक्त करिछंती सिंधु को बापा ओ मां I'm really extremely happy. Two medals in two Olympics. It's not a easy task for any of the player to maintain the fitness and come up to the expectations of the nation. I'm glad and thanks for all the encouragement from the government and Bhai and all the officials. बहुत अच्छा है, very happy. So she won two medals in Rio. She got silver. This time bronze. We are very happy. सेपटे देश पई गौरव आनिथिबारु सिंधु को शुभेच्छा जणाइछंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर मध्य शुभकामना जणाइबा सह देश गर्वित होइतिबा कहिछंती पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं शानदार प्रदर्शन उनका रहा है स्मैशिंग विक्ट्री रही है देश की ओर से बहुत बहुत बधाई और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई
125 ବର୍ଷର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ତିନି ମହିଳା ଖେଳାଳି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ଲଭଲିନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସିନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯାଏ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସେପଟେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପରେ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦଳ। 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦଳର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପରେ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦଳ। 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦଳ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହାସଲ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ସେମିରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ବେଲଜିୟମ ପରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ 1980 ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଭି ଭାସ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ କୌଣସି ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ହରାଇ ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହକିରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ର ମେଡାଲ୍ ହାସଲ ନେଇ ଆଶା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟୋକିଓରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡାଲ୍ ଟାଲି ଆସିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ 3-1 ବିଟ୍ କରିକି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେନ୍ସ ଟିମ୍କୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବି ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହକି ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହକି ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜିର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂ, ଗୁରଜନ୍ ସିଂ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ ୱାର୍ଡ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଏ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଖେଳିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7-1 ହାରିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ସବକ ଦେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବକ ଦେଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ 3-0, 3-1 ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୋ ଏବଂ ଜାପାନ ସହିତ 5-3 ଜିତିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା। ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ସାମ୍ନା ବେଲଜିୟମ ସହ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସପ୍ରତିକୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଇ ରୂପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଇ ରୂପି ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ପର୍ସେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଲାଭ ସିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଇ ରୂପିକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇ ରୂପି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା QR କୋଡ୍ ଏବଂ SMS ଆଧାରିତ ଇ ଭାଉଚର୍ ଯାହାକୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଡ଼, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିନା ଭାଉଚର୍ ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହଯୋଗରେ ଏହାର UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଶିତ କରିଛି। ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ହେଲେ ସୁଧୀ, ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଳୁଆଣୀ ଗାଁରେ। ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ।
दीर्घ वर्ष धरि निर्यातना देबा परे शेषरे बंचित हाउ थौ सुधि हेले दुई पुआ दीर्घ वर्ष धरि निर्यातना देबा परे दुई पुआ बंचित हाउ थौ सुधि होइछन्ते बापा बंची थाउ थाउ पुआ मन हेले सुधि जियों बापा दिने हाथ धरी बाट चलेबा सिखाई थिला से बापार जियंता चिता जाली देले पुआ माने स्वप्नरे मध्य एभली करिबाकु केबे भी केही भाबी भी नाही किंतु प्रकृतरे एभली घटना घटिछि एभली अमानवीय घटना को समस्ते निंदा करिबा सहित पुआ मानकु तिरस्कार करिछन्ति केन्द्रापड़ा जिलार दलवाणी ग्रामर नीलमणि जेना से दिन मजूरिया भाव काम करती जीवन सारा जहाँ रोजगार करते तीन झीव को बाह कर दुई पुओं को मनीष कर बाहते कि पुओ मैंने बाहर नीलमणि जीवन में खेलीगला कला बादल छाई पुओ मैंने निर्यातना देवा सहित घर बाहर कर खाली से नुहे मूल लगे संचय कर टा लुटी नहीं पुओ मैंने टा पांच हजार पांच रखी जमी चाष करने ट्रक काटिक थाना जाए पहुँचिली रिपोर्ट लिखिक देली सी मैंने थाना गले थाना कहले आम डकैले तुमको डकैले तुम जाए आसो ये पुओ बो समय गले जा थाना कौन रिपोर्ट है मुझे कहीपर सी आसिक दंडा होकर आसे तेज शेष निराश हो नीलमणि पाटकुरा थाना द्वारस्थ होते पुलिस तदंत करने सहित दुई पुओ अलेख और गोलेख को पचार उत्क्षिप्त हो जन्मकला बापा बंची थाउ थाउ सुधेवा सहित लंडा होते जहाँ पाटकुरा अंचल चर्चार विषय पलटि यापर बुढ़ा बापा परिणत वयस मानसिक स्तर में पूरा भांगी पड़ते और न्याय भिक्षा कर केन्द्रापड़ा जिला पाटकुरार दलवाणी ठार जो निंदनीय घटना घटी जघन्य घटना घटी या हिंदू धर्म पर एक गोटा कलंकित अध्याय सृष्टि करछि बाप नीलमणि जेना थाउ थाउ दुई पुओ कुलांगार पुओ बाप को सुधि ही नंडा होती आम हिंदू धर्म प्रति गोटे कुंठारघात यहाँ अशोभनीय कथा यहाँ समाज ग्रहण योग्यता नुह हाँ प्रशासन पदक्षेपटा ना उचित बापा बंची थाउ थाउ पुओ मानकर एभली निष्पत्ति को साधारण महले निंदा करा जायछि केन्द्रापड़ा कैमेरा पर्सन उमेश महाराणा सह प्रभात लिंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरी बुलेटिन के रखु नमस्कार।